वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फन एंड क्राफ्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 3 पेपर हैक्स। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये पेपर था मेरे पास, उसको मैंने गोल शेप में कट कर दिया है। यहाँ पर मैं रोज़ का डिज़ाइन देने वाली हूँ, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे कटआउट। पर मैंने इसको ऐसे काट दिए एक चक्री के शेप में। अब इसको क्या करते हैं, फोल्ड करते थे, ठीक है। कोई लोग सोचते हैं कि मतलब बीच में पतला फोल्ड हो तो अच्छा होता है, पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा हमको, ठीक है। इससे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको गोल गोल ऐसे मोड़ देते हैं। मैंने इसको ग्लू कर दिया है, यहाँ पर अंदर आपको ग्लू दिख रहा होगा। थोड़ा सा ये फैल जा रहा है, पर इसको थोड़ा सा पकड़ने की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे पकड़ लो, और ये जब चिपक जाए थोड़ी देर बाद तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो एक प्यारा सा ब्यूटीफुल फ्लावर हमारे पास बन के रेडी है। अब आते हैं दूसरी वीडियो पर। आकार के यहाँ पर मैंने पेपर काट लिए है, दूसरा मैं फ्लावर बनाने जा रहा हूँ इसी टाइप का। तो वर्ग के आकार का है, याद रख रहा हूँ, वर्ग का आकार का आपको फ्लावर काटना है, पेपर काटना है, वरना क्या हो जाएगा कि अच्छे से ऐसे फोल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा परफेक्टली फोल्ड हो गया, और ये जब तक फोल्ड हो पाए तब तक इसको क्या करना है, आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर फोल्ड हो गया है बहुत बार, अब ये इससे ज्यादा फोल्ड नहीं हो पाएगा सेंटर से लेके। अब इसको क्या कर लेना है, कटआउट कर लेना है। यहाँ पर अगर हम जब अच्छा शेप देंगे तभी हमारा अंदर को अच्छा शेप आ पाएगा उसका, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हमारा अंदर से फ्लावर कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर फ्लावर ही बन चुका है। अब इसको और थोड़ा डेकोरेट करेंगे, इसका जो एक वो है वो हम क्या कर लेंगे, कटआउट कर लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, इससे चिपका लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्लावर हमारा बनके रेडी है। अब देखो एक मेरे पास क्या था कि छोटा सा पर्पल फ्लावर बचा था, छोटा सा पर्पल फ्लावर, और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये कर दिया, और प्यारा सा एक और फ्लावर बन के हमारा रेडी है। तो चलते हैं तीसरे हैक पर। आगे एक मैंने यहाँ पर स्ट्रिप जैसी ले ली है, और इसको कर देती हूँ मैं आप फोल्ड, ठीक है। इसको फोल्ड कर दिया मैंने कुछ ऐसे। अब इसको पतला पतला क्या कर देते हैं, हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे पतला छोटी छोटी लेंथ में हम क्या कर लेते हैं, इनको कट कर लेते हैं। तो चलो अब इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो पतला पतला यहाँ पर फोल्ड करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा ऐसे फोल्ड आउट कर दिया है, और प्यारा सा शेप हमारा बन के तैयार है, सॉरी बन के तैयार है। तो फर्स्ट फ्लावर हमारा था ये रोज वाला, जो ज्यादा थोड़ा अच्छा तो नहीं पर ठीक ठीक बना है, और सेकेंड हमारा था याला, एंड थर्ड हमारा था ये वाला। तो आपको कौन सा पसंद आया तो मुझे बताना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। बाय।